I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fan 2.0. Episode 7, Part 1. Yumna madam. Yumna ka to pura, like, aise lag raha hai screen time baki sabka collectively aadha hai aur phir Yumna ka aadha. Yumna ka full ek base bana diya hai ki holy si, lekin phir bhi usko ghabla karne, aisa usko lagta hai ki wo ghabla kar sakti hai. उसको एक्चुअली वैसा दिखाया है कि वो है बहुत भोली सी, लेकिन उसको लगता है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है बेचारी. तो और आई थिंक बिलाल को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए. उसका अभी तक कैरेक्टर ही बिल्ड नहीं हुआ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है वो भोला है या कार है. वही और एक्चुअली डीप उसका कैरेक्टर ज्यादा है बिलाल का. हाँ वही, क्योंकि उसके अंदर लेयर्स है. वही यमुना के अंदर कोई लेयर्स नहीं है, वो दिखा रहा है कि ठीक है ये ऐसी है. उन्हें शहबाज की जगह भी नहीं दी आपने कभी. जी बेगम साहबा, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि मैंने कभी भी सरवर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं की. तो मुंशी जी अब तो बता दे, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि सर्वर हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए हैं? समझ में नहीं आया मुझे कुछ. शायद उनके हिसाब से मेरी अब उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, उनके काम का नहीं रहा. उस तेजी से मैं काम काज नहीं संभाल सकता. कोई बात नहीं, बस वो आपसे गुजारिश की थी वो माजदीन. नहीं नहीं मुंशी जी, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं आपके कुछ लाई हूँ. अफसोस कि आपकी नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वर बहुत गुस्से में, आपका नाम भी नहीं सुनना चाह रहे. लेकिन ये तो कर सकती हूँ, ये मेरी तरफ से ना आपकी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा है. जी लीजिए ना बेगम साहबा. ये 10 लाख नहीं, ये बहुत ज्यादा है. मुंशी जी आपकी नस्लों ने हमारी खिदमत की है, उसके सामने तो ये बहुत छोटी चीज है. प्लीज मना मत कीजिएगा. देखो अब्दुल्ला, ये जो जहर होता है ना, ये टेस्टलेस होता है. खाते हुए इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन खाने के बाद वो उसे मार देता है. ऐसे ही तुम्हारे डैड का प्यार है, एक जहर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मार रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा. मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, इसलिए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और अपनी नाकामी से जान छुड़ो. प्लीज डैड को क्या बोलूंगा मैं, जाऊंगा. चुपचाप साइन करो. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या है? नहीं करोगे साइन? नहीं करना, मत करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला है, तुम जो चाहे करो, करो अपनी मनमानी, मुझे क्या, मैं खुद ही साइन कर. ऐसी करते हो ना? गलत है, गलत है, फ्रॉड है, चीटिंग है, चीटिंग है. कोई चीटिंग नहीं है. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कभी नहीं मानेंगे डैड, और मैं अपना कॉलेज छोड़ के क्यों जाऊंगा किसी और? पता है मुझे तुम्हारी डैड से जान जाती है, नहीं बताएंगे. उन्हें बगैर बताए तुम इस यूनिवर्सिटी में जाओगे, और उसी खुशी के खातिर पीबीए का साल रिपीट कर, और फेल भी उसी की खुशी के खातिर हो, समझे? टैग को पता चल गया तो कह देना कि वशमा ने जबरदस्ती साइन करवाया, बाकी बात मुझसे करें. जरा इज्जत नहीं करती डैड की. हाँ
तुम्हें मैं सर्वर आकल वाला मैं बना के छोड़ूंगी। देखता रह जाएगा वो। कार्ड तो बहुत प्यारा छपा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मुंशी जी। बहुत शुक्रिया। ओह व्हाट अ सरप्राइज मुंशी जी, कैसे हैं? छोटे साहब मैं ठीक, आप कैसे हैं? प्लीज बैठे बैठे। और सब सेट? वो माजबीन की शादी का कार्ड लेकर आया। अच्छा दिखाए, वहाँ पड़े हुए हैं। नाइस, कब है? 25 को। 25 खैरियत? वो 25 को मेरी 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 बात पक्की हो रही है। बहुत मुश्किल हो जाएगा आना, मैं कैसे मैनेज करूँगा? 25 को जाना है ना हमने। 25 26 मिल सकता? नहीं छोटे साहब, 26 सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड हम आ जाएंगे बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त? आपको मेरी शादी में नाचना पड़ेगा। नहीं नहीं बोलिए। क्या कहता आप मेरी शादी में नाचेंगे? वैसे ही कह दिया था, लेकिन मैं आप मेरी शादी में नाचेंगे? नहीं छोटे साहब, मैं अच्छा कोशिश करूंगा आपकी खुशी के लिए। प्रॉमिस? कोशिश? हाँ पक्का। ठीक आप आएंगे? आई प्रॉमिस आई ट्राई। ऐसे चुप साथ के पढ़ना था यहाँ पे तो आने की क्या जरूरत? कैसी? कौन? चोर वो तेरी बुड्ढी होर, वो कैसी है? ना भैया ना। अरे मुन्ने किसी बहुत ही पहुंचे हुए बाबा से तावीज घंटे करवाए उसने, तय है ये बात, ताकि तू हर वक्त उसके कोटे से बंधा रहे। यूं यूं और मैं तेरी माँ इस जहाने फानी से यूं ही रुखसत हो जाए, रोती हूँ बगैर तेरी नस्ल देखे। अरे वरना कोई बात है? क्या कमी है तुझे? उबरू है, जवान है, पैसे वाला है, उस 2% के मुंशी की मजाल है जो तुझे अपनी बेटी ना दे? तू बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहा? होंठ जो सीधे है तेरे, उसने तावीज गंडे कर करके सीधे होंठ तेरे, बस चुप लग गई तुझे। नहीं चाहती मुझे, नहीं चाहती। जानती है मैं जाऊंगा भी तो भाग के कहां जाऊंगा? ऐश और आराम, ये दौलत, ये सब सब मेरे लिए है लेकिन मेरा नहीं है। तभी तो, अरे तभी तो मैं कह रही हूँ दूसरी शादी कर ले, चुपके से दूसरी शादी कर ले। दूसरी देख ले, कोई भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता मां,
नहीं भूल सकता, और ऐसे शख्स को आप भूल भी कैसे सकते? ना चाहते भी उसके बारे में सोच रहे हो। मेरी नजर से देखोगी ना मां, तुझे भी मोहब्बत हो जाएगी उससे। तुझे लगेगा कि जैसे कि परिस्तान की परियां इस दुनिया में अपनी बच्ची को भूल गई। क्यों देखूं मुन्ने तेरी नजर से, क्यों अपनी इन गुनागारा को क्यों ना देखूं? क्या मिला तुझे इस दिल लगी, क्या मिला तुझे इस दिल लगी से? उल्टा तेरा नुकसान हुआ है, अब तो उसकी शादी होने वाली नहीं होगी। वैसे होंगे उसके पास तो करेगा ना। अच्छा, अब वो देगी ना, वो तेरी बुड्ढी हूर, वो देगी उसे शादी के लिए पैसे हैं? वो क्या होगा मुंशी उसके पर हाथ जोड़ने के, दे दो पैसे मुझे दे दो। अच्छा कभी उसकी ऐसी मनुष्य है? ऐसा नहीं है, बहुत गैरत मान। मैं लानत भेजती हूँ उस गैरतमंद होने पे, क्या अच्छा ही उसका, तेरा नुकसान ही हुआ मुन्ने, नुकसान ही हुआ उल्टा। अम्मा बस कर, बुरे लोगों को भी अच्छे ही अच्छे लगते।